उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में दबंगों ने किया धारदार हथियार से हमला। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में बीते एक सप्ताह पहले दो पक्षों में हुआ था विवाद। विवाद के दौरान हुआ मारपीट। मारपीट में एक ही परिवार के चार लोग हुए घायल। पूरा मामला जनपद बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र का है, जहां पर एक सप्ताह पहले खेत में गाय के घुस जाने को लेकर हुआ था विवाद। विवाद के दौरान दबंगों ने लाठी डंडे व धारदार हथियार से पूरे परिवार पर किया था हमला, जिसमें राजकुमार मिश्रा हुए थे गंभीर रूप से घायल और दो लड़के व एक लड़की को भी लगा था चोट। राजकुमार मिश्रा का इलाज के दौरान हुआ मौत। मृतक राजकुमार मिश्रा को बलरामपुर के संयुक्त जिला चिकित्सालय से लखनऊ के लिए किया गया था रिफर, जिनका इलाज लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में चल रहा, लेकिन इलाज के दौरान ही गंभीर रूप से घायल राजकुमार मिश्रा ने तोड़ दी दम। मृतक राजकुमार मिश्रा के परिवार वालों ने बताया कि विपक्षियों ने धारदार हथियार से किया था हमला, लेकिन इसके बाद बलरामपुर पुलिस नहीं आई हरकत में, जिससे पुलिस की कार्यशैली से ग्रामीणों में दिखा नाराजगी और पुलिसिया कार्रवाई पर उठ रहे सवाल। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया एक सप्ताह में पुलिस ने नहीं किया कोई कार्रवाई और पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार करके छोड़ दिया था, लेकिन अब घायल राजकुमार मिश्रा की मौत के बाद बलरामपुर पुलिस हरकत में आ गई और नामजद पांच लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी है और जल्दी ही होगी सबकी गिरफ्तारी और पूर्ण कार्रवाई का दिया आश्वासन। पूरा मामला थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम जमुनही का है। ये थी डीडी टुडे के लिए बलरामपुर से शिवांशु शुक्ला की रिपोर्ट। कहाँ की निवासी है? जमुनही। ये क्या हुआ था और कैसे हुआ था? भैया हम नहीं रहे न, आठ दिन पहले हम तबियत खराब रहा, दवाई करावे चली गए, तो देखिए हम कह रहे चलो कहीं रुको दवाई करा लो तब चलो, तो देखिए यहाँ अरे अरे नहीं रे दादा हम नाम शरण शिव प्रसाद रामदास शुभम मिश्रा कहाँ के निवासी हैं? जमुनही। पिताजी का क्या नाम है? राजकुमार मिश्रा। क्या हुआ था और कैसे हुआ था? जी वो गाय चली गई थी, उनका नुकसान कर दिए थे, तो पापा आए सब ग्रह पूछे क्या नुकसान हुआ था, सबका प्लानिंग था, इसीलिए तुरंत ना पूछ ना ताच मारने लगे। किसके खेत में गाय गई थी, किसका नुकसान हुआ था? रामचरण गौतम का। तो पापा पूछने गए बस तुरंत वो सब प्लानिंग बनाए रहे थे, तुरंत मारने लगे। जब तक पापा गिरा दिए तब हम लोग आए, तब तक हम लोग का मार गिरा दिए, ये भैया भैया आए मार गिरा दिए। किन लोगों ने मारा था, नाम जानते हैं? रामचरण गौतम, रामदास गौतम, शिव प्रसाद गौतम, परवेश मंटू, उनके दोनों पत्नी, दोनों लोग के पत्नी। क्या आप लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी? दी थी, लेकिन पुलिस कोनो कार्रवाई नहीं। कितने दिन पहले की ये घटना है? उसी दिन किया था, छोड़ दिए थे। पकड़ी तो रहा, ये बताओ छोड़ी। अच्छा, पुलिस ने जो है उन लोगों को पकड़ा था? जी आप छोड़ दिए। कब छोड़ दिए थे? उसी दिन छोड़। अच्छा, उसी दिन पकड़ के छोड़ दिया था जी। तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या पुलिस के कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं जी, नहीं संतुष्ट हैं। जमात वो लोग ये हमारे भाई को मिल करके मारे और पूरे इतने तहस घटना हुआ, 10-12 लोग मिल करके मारे हैं और पुलिस वाले आए थे, उनको ले गए संयुक्त में, वहाँ से रिफर कर दिया गया और मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। अभी तक इनका होश नहीं आया और इसके बाद में इंतकाल हो गया इनका। मारे कौन कौन मारा था? भैया 10-12 लोग मिल करके मारे हैं, जिनका नाम मुझे नहीं जानकारी है। क्या उन लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई हुई? क्या जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ अभी तक पुलिस द्वारा बलरामपुर कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और कल भी शाम को वो गांव में घूम रहे हैं और ये गाली दे रहे हैं कि हम सारे ब्राह्मणों की बहन बिटिया मैं चोट दूंगा, ये वो गाली दे रहे हैं। इतना उनकी मनोबल बढ़ा हुआ है, इतने मनोबल बढ़ा हुआ है और 10 दिन से अभी कोई नहीं। आज पुलिस
उनके घर वाले के दो लेडीज को पकड़ा गया है। इसकी सूचना आपने थाने पर कब दी थी? थाने पे उसी दिन हुआ, जिस दिन ये घटना घटी है उसी दिन हुआ। पुलिस आई, पुलिस ने ले गई है हमारे भाई को। तब से अभी तक ये लोग जो मारे हैं वो यहीं घूम रहे थे? घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो क्या लग रहा है आपको कि पुलिस द्वारा अब आगे भी कोई कार्रवाई होगा? हमको क्या लग रहा है, जब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, मेरा भाई मरा पड़ा हुआ है, अंतिम संस्कार का समय है, अब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो आगे हमको क्या उम्मीद है भाई, क्या हमको उम्मीद है? आप भाई के कौन है मृतक के? मैं मृतक का मैं छोटा भाई हूँ। पक्षों में ग्राम जमुनही में मारपीट हुई थी, जिसमें थाना कोतवाली देहात में तत्समय ही उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना के क्रम में ही राजकुमार मिश्रा जी, जो कि लखनऊ में भर्ती थे, इलाज जिनका चल रहा था, उनकी मृत्यु परसों रात में हो गई। तो गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं और जल्दी ही जो अभियुक्तगण हैं, जो घटना में नामजद उनके परिवार द्वारा किया गया है, उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करके अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, 14 के बाद जो है, जब FIR दर्ज हुआ, उसके बाद पीड़ित पक्ष का कहना कि पुलिस द्वारा मुलजिम को थाने पे बैठाया भी गया था, लेकिन फिर कुछ देर बाद छोड़ दिया गया था, इस पे क्या कहेंगे सर? दोनों पक्षों को चोटें आई थी, दोनों पक्षों का मेडिकल कराया गया था और उसके हिसाब से जो विधिक कार्रवाई बनती थी वो की गई। अब जो ये घटनाक्रम हुआ है और मृत्यु हुई है, उन धाराओं में हम अभी तत्काल इस अभियोग को तरमीम करके और सभी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी करेंगे।